दोस्तों, ये वीडियो पुरानी है, कुछ मंथ्स पहले की है, तो मैं अपलोड नहीं कर सका क्योंकि एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिला। तो फिर मैं उसे एडिट नहीं कर सका, तो अभी मुझे टाइम मिला तो मैंने उसे एडिट किया। तो मैंने कहा आप वीडियो बनाई है तो अपलोड कर ही दूँ, जब पीसी में पड़ी है तो आप लोगों के साथ शो ही कर ही दूँ, क्योंकि बनी ही आप लोगों के लिए, तो फिर आप लोगों को दिखानी भी चाहिए। ये मैंने OPTV से ये डिलीवरी की है कि मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो ये कॉफी बॉटल है और इसमें फोर जो जिंगर बर्गर है वो मैंने ऑर्डर किया। वो के अंदर ये टिश्यू पेपर है और ये निकाल लेते हैं बर्गर, साथ में केचप आ गए। ठीक है, ये OPTP से मंगवाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल। आज की वीडियो में बताऊंगा कि नॉर्मल डाइट में मैं आ गया हूँ। ठीक है, काफी टाइम से आ गया हूँ। मैं सोच रहा था काफी दिनों से कि मैं वीडियो अपलोड करूँ करूँ करूँ। तो आप में से अगर कोई है और वो चाहता है कि वो ये कोल्ड ड्रिंक पिए, ठीक है, ठंडी ठंडी, ये देखे वो कोल्ड ड्रिंक पिए, वो बर्गर खाए, ये सारी चीजें खाए, तो आप सही से डाइट और लाइफ स्टाइल फॉलो करो, फिर उसके बाद जब आप क्योर हो जाओगे तो आप भी ये सब कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वीडियो बनाने का मकसद ये था। ग्रुप में अक्सर मैं पिक्चर शेयर करता रहता था। ठीक है, अगर मैं रेस्टोरेंट जाता था, मैं भी जाता था, खाना खाता था, कुछ भी, तो वो ये कहते थे कि तुम हमारी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। तो मैंने कहा मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मतलब नॉर्मल बंदा डाइट पे, नॉर्मल रूटीन पे, बिल्कुल हर एक चीज जो है आपकी नॉर्मल हो जाएगी। तो मैंने OPTP से ऑर्डर किया है। ठीक है, काफी टाइम से मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। आपको मैंने बताया था कि घर में कोई भी नहीं है, तो इस वजह से जो खाने का सामान है वो मैं बाहर से ही ऑर्डर कर रहा हूँ। तो अभी ये मैं बर्गर खाऊंगा और आप देखोगे। और देखने का मसला ये है कि अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल सही से फॉलो करते हो तो आप भी ये सब खा सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया बर्गर। बहुत मजे का टेस्ट है, आपका भी तो दिल कर रहा होगा खाने को, खा लोगे, वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है। डाइट अच्छे से फॉलो करो, लाइफस्टाइल अच्छे से फॉलो करो, जब क्योर हो जाओ तो फिर ये सब आप भी खा भी सकते हो। ठीक है, इस चीज के बारे में कि ये मैं खाने पीने लग जाऊंगा। जब डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करता था ना, कभी जहन में ही नहीं आता था कि यार ये चीज मैं खा भी सकूंगा, कभी सोचा ही नहीं है, बिल्कुल इग्नोर करता था। मतलब जो डाइट और जो लाइफस्टाइल था सेम, वही चीज मैं पकड़ लेता था, बस अपने जहन में वही होती थी कि बस अब ये मेरी जिंदगी और मैंने ऐसे जिंदगी गुजारनी है। और यकीन करो, जो डाइट और लाइफस्टाइल जो मैं फॉलो कर रहा था जब मुझे ये तकलीफ थी, और वो खाना जो मैं खाता था, इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं है, उसका टेस्ट इससे भी ज्यादा अच्छा होता था। क्यों? खुशी से खाता था, हद से ज्यादा खुशी से, और उस खुशी की वजह से ही रिजल्ट मिले। तो खाना आप जो भी खाते हो खुशी से खाओगे वो असर भी करेगा। काफी तेज है ड्रिंक, एक तो ठंडी है ऊपर से काफी
बहुत तेज है ये, सही तबाही है। आप नहीं पीना, आपको सच में तबाह कर देगी। दिल कर रहे है वैसे पीने को? नहीं, खास दिल नहीं हो रहा होगा। नहीं दिल करना चाहिए आपका, ठीक है। मेरा तो पेट भर गया यार, मिर्चे भी बहुत ज्यादा है। और मैंने स्पाइसी शॉटगन ऑर्डर की थी, एक सिर्फ शॉटगन थी और एक स्पाइसी थी। बहुत तेज है, मैंने आंखों से आंसू निकाल लिए। ये अब जबरदस्ती खा रहा हूँ, इसकी तरफ दिल नहीं हो रहा क्योंकि पेट पूरी तरह से भर चुका है। ये आप एक भी खा लो आपका पेट भर जाएगा। इसका मुंह बिल्कुल केचुए की तरह है। ड्रिंक बहुत तेज है, वो बहुत ज्यादा तेज है। और कोक मेरी मरहाल में ये फोर्थ टाइम है कि मैं कोक पी रहा हूँ। वैसे मैं ज्यादा ड्यू पीता हूँ, और स्प्राइट हो गई, ड्यू हो गई और सेवन अप हो गई। बाकी कोक ये मेरी चौथी दफा है, इससे पहले मैंने कभी कोक मतलब इतनी ज्यादा नहीं पी। जब से ठीक हुआ तब से ड्यू ज्यादा पी रहा हूँ। तो मतलब एक टाइप का ये भी एक्सपीरियंस है ना कि पता लग सकता है यार, अगर मतलब इस हद तक बंदा जाए तो मेरे को सील दोबारा तो नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी चीजें है ना, मतलब हर एक चीज मैं ट्राई कर रहा हूँ यार। कुछ भी ऐसे नहीं हो रहा कि मतलब मैं ये करूँ तो इससे मुझे तकलीफ हो रही है, मैं ये करूँ तो इससे तकलीफ हो रही है। चलो इस पे मैं थोड़ी ये खा लूं फिर मैं बात करता हूं। सारा तो नहीं खत्म होने लगा, आधा आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। जब आप ठीक हो जाओगे फिर मैं ऑर्डर करूंगा आपके लिए। इधर इधर तक भरने होंगे, ये मुझे लगता है आपका हिस्सा मैं खा रहा हूं, तब मुझसे हजम नहीं हो रहा, ठीक है। ये मैं आपके लिए रख दूंगा, ठीक है। और नहीं खाने आता, ले लो, ले लो यार, ले लो, कुछ नहीं होता। वो एक दफा पी लो, एक दफा पीने से कुछ नहीं होता, पी लो यार। ये लोग वैसे ही लगे हुए, ये तुम्हारे लिए नुकसान है, कुछ भी नहीं होती, पी लो। जवान बंदे हो, तुम्हें क्या होता है, तुम्हें कुछ नहीं होता, पियो। इस तरह की बातें सुनने को मिलती है दोस्तों से, कजनों से। आप कहीं भी जाओगे पार्टी पे, पी लो यार, कितनी परहेज कर रहे हो, तो अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तुमने देखा ही क्या है, कुछ नहीं होता, पियो। वो देखो तुमसे बूढ़े बूढ़े, तुमसे काफी एज के लोग पी रहे हैं और तुम नहीं पी रहे, सुनने को मिलता है ना। पर अगर आपने ये पी ली तो समझो आपने काम खराब कर दिया। नहीं पीनी, ये ना ये खाना है ना ये पीनी है, ठीक हो गए। अब मैं ठीक हूँ, मुझे अब कोई पाबंदी नहीं है, कोई मना नहीं करता। हाँ, घर में ये बात सुनने को जरूर मिलती है कि पहले तो बड़ा अपना ख्याल रखते थे, अभी तुमने ये चीजें स्टार्ट कर दी, अब इतना फुल हो गया हूँ कि ये भी नीचे नहीं जा रही। देखो सिंपल सी बात है, बात सिंपल सी है, ज्यादा लंबी नहीं खींचता है बात को। वो बात ये कि अच्छे से डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करो, जो जो चीजें बताई है। मैं जब कहता हूँ यार शलवार कमीज पहनो कंफर्टेबल है, तो लोग नहीं पहनते, ट्राउजर इस्तेमाल करते हैं, जीन्स की पैंट पहनते हैं, ठीक है, थीके? और काफी चीजें, मास्टरबेशन करते हैं, हर तरह की मतलब वो ड्रिंक भी पीते हैं, ठीक है, वो वाइन भी पीते हैं, वो स्मोकिंग भी करते हैं, वो काफी चीजें खाते हैं। मगर ये चीजों से आपको परहेज करनी पड़ेगी यार। मैंने ये गिलास है ना, ये लास्ट में आपको नजर आ रही, ये थोड़ा सा, इतना भी मैंने नहीं पिया, ऐसे चखी भी नहीं, ये तक गिलास मुंह के करीब भी नहीं लाया, देखते ही नहीं था इस चीज को। तो सबर करना पड़ेगा, हर एक चीज से सबर करोगे, जो जो चीज आपके लिए नुकसान है उस सारी चीजों से सबर करोगे, ठीक है, तब जाके आप क्योर हो गए। 100% डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो किया अगर आपने तो आप क्योर हो गए 100%। अगर फॉलो नहीं किया तो फिर कभी सोचना नहीं कि आप नेचुरल तरीके से ठीक हो सकते हो। फिर दो ऑप्शन बचते हैं, या तो फिर सर्जरी बचती है, और या फिर मेडिसिन बचती है। तो चॉइस आपकी अपनी है। बाकी मैं यही कहूंगा कि आप नेचुरल डाइट फॉलो करते हो तो 100% आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो ये चीजें नॉर्मल लाइफस्टाइल, नॉर्मल डाइट के ऊपर आप पूरी तरह से आ जाते हो, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अभी देखो यार ये इतनी ठंडी है, इसको देखो पसीना आया हुआ है इस, ठीक है, बोतल को, मतलब इतनी ठंडी पीना वेरिकोसिल के अंदर इंतहाई नुकसान है, ठीक है। बस इस वजह से मना करता हूँ, जो चीजें मना करता हूँ उससे मना हो जाओ, बाज आ जाओ, मास्टरबेशन नहीं करो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दो, स्ट्रेस ना लो, गुस्सा ना हो, उस जगह पे हीट ना पहुंचे, वहां के हेयर आप शेव करो, सफाई का ख्याल रखो, ठीक है, गर्म पानी पियो। तो ये चीज है यार, बस ये फॉलो करोगे तभी ये चीजों के ऊपर आप आ सकोगे। मगर अगर आपकी जो एक्टिविटीज है इस तरह की हैं, ठीक है, एक बंदा दूसरा कहेगा यार ये मेडिसिन ले लो, दूसरा कहेगा नहीं 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 तुम ये ले लो, तुम अलसी के बीज ले लो, या इस तरह के ना, ठीक है, तो आप किस चीज में कंफर्टेबल फील करते हो? मतलब मैं ज्यादा कंफर्टेबल किस में फील करता हूँ? शलवार कमीज में। मुझे ना जीन्स कंफर्टेबल लगी है, ना ट्राउजर भी है मेरे पास। ये नहीं कि मेरे पास जीन्स की कमी है, या मेरे पास ट्राउजर की कमी है, मेरे पास पैंट शर्ट की कमी है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह का शुक्र है हर एक चीज पूरी है। मगर मैंने वो चीज का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया है जिस चीज से फायदा होता है, ठीक है। कई लोग शर्म समझते हैं, मतलब शलवार कमीज पहनते हैं तो उन्हें शर्म महसूस होती है कि हम ये क्यों पहने, किसी अगर वो पार्टी में जा रहे हैं किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, पर मैंने वहां शर्म महसूस नहीं की, ठीक है। इसकी वजह क्या थी कि मैंने अपनी तकलीफ को ठीक करना था। आपका ईगो आपको ले डूबेगा, सही है, तो ईगो को खत्म करना है, किसी की बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देना, घर वाले क्या कह रहे हैं। मैं मुझे हजार बातें सुनने को मिलती थी कि तुम ये क्यों खा पी रहे हो, तुम ये क्यों इस तरह कर रहे हो, दिन ब दिन पतले होते जा रहे हो, तुम्हारी कोई लाइफ नहीं है, तुम्हारा मकसद क्या है, ये सब तुम किसके कहने पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये रोज के मतलब बातें सुन के ना इस चीज को बिल्कुल इग्नोर करना है, साइड पे रखना है। बस अच्छे से बार बार यही कहूंगा यार, अच्छे से डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करो, फिर रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो बस ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था, मैं पेट भरा हुआ था, ठीक है, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लूं, अब बर्गर मैंने ऑर्डर किए तो मैं वीडियो बना ही लूं, और आप लोगों की वजह से ऑर्डर किए। तो मसला ये था कि मैं आपको बस ये मैसेज देना चाह रहा था कि आप नॉर्मल प्रोटीन पे आ सकते हो, ठीक है, बस अच्छे से डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करो। फिर दोस्तों अगर आप ये सब कुछ खाना चाहते हो, ठीक, अगर आप सारी जिंदगी उस तरह की डाइट लेना चाहते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। तो बस सफाई का ख्याल रखो, सफाई है ना, और डाइट और लाइफस्टाइल अच्छे से लो। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफिज़।